अब नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन एंड मिरर इक्वेशन अब जो हम साइन कन्वेंशंस पढ़ने जा रहे हैं उन्हें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहते हैं मिरर लेंस एंड स्फेरिकल सर्फेसिस यह कार्टेशियन कन्वेंशंस सबके लिए समान रूप से एप्लीकेबल हैं इसमें हमारा सबसे पहला रूल है कि हम पोल को ओरिजिन या मूल बिंदु मानते हैं हमारा सेकेंड रूल है कि हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं अतः इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पोल से आगे की डिस्टेंसेज पॉजिटिव होंगी एंड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन की डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे हमारा थर्ड रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की हाइट्स को हम पॉजिटिव मानेंगे एंड इसके ऑपोजिट डिस्टेंसेस को हम नेगेटिव मानेंगे अभी तक हमने रे डायग्राम से इमेज बनाना सीखा है अब हम सीखेंगे कि बिना रे डायग्राम बनाए हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज की लोकेशन को कैसे पता लगा सकते हैं माना हमारे पास एक मिरर है एंड इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है एंड इसकी इमेज आई पर बन रही है माना इंसिडेंट रे ओ एम एंड नॉर्मल सी एम एंड रिफ्लेक्टेड रे एम आई प्रिंसिपल एक्सेस से एंगल अल्फा बीटा एंड गामा बना रहे हैं माना एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा है अब हम पॉइंट एम से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर एम एन ड्रॉ करते हैं और ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल एक्सिस पे जो डिस्टेंस है फ्रॉम पोल उसको हम लेते हैं यू सेंटर ऑफ़ कर्वेचर का डिस्टेंस लेते हैं पोल से आर इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम पोल लेते हैं इन ट्राइंगल ट्राइंगल एम सी एन टैन बीटाजन सी एन एंड इन ट्राइंगल आई एम एन टैन गामा इज इक्वल टू एम एन अपन आई एन अब पैरेक्सियल रेस के लिए हम कह सकते हैं tan theta is approximately equal to theta on is approximately equal to op which is equal to u cn is approximately equal to cp which is equal to r in is approximately equal to ip which is equal to v इसलिए हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू mn अपॉन u बीटा इज इक्वल टू mn अपॉन r एंड गामा इज इक्वल टू mn अपॉन v अब हम ट्रैंगल सी में देखें तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा जिससे हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अब हम देखें तो ट्राइंगल सी एम ओ में एक्सटर्नल एंगल बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा नेक्स्ट हम अगर ट्राइंगल सी एम आई में देखें तो एक्सटर्नल एंगल गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा जिससे हम से लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा वन एंड टू से हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा इसको सिंप्लीफाई करने पर हो जाएगा टू बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा अब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रखने पर हमें मिलेगा टू टाइम्स एम एन अपॉन आर इज इक्वल टू एम एन अपॉन वी प्लस एम एन अपॉन यू इसको हम लिख सकते हैं टू अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू टू अपॉन आर को हम लिख सकते हैं अपॉन तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा अपॉन टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी यही हमारा मिरर फॉर्मूला है चलिए अब हम पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में मैग्निफिकेशन सुनते ही आपके दिमाग में लेंस से किसी ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनना आया होगा पर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की साइज की तुलना में इमेज की साइज अब यह इमेज बड़ी या छोटी कुछ भी हो सकती है ऑप्टिक्स में हम दोनों केस में वर्ड मैग्निफिकेशन का ही यूज करते हैं आप रे डायग्राम पढ़ते समय देख चुके हैं कि मिरर से ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज की साइज कैसे चेंज होती है अब माना हमारे पास एक एच वन हाइट का ऑब्जेक्ट है एंड मिरर में इसकी एच टू हाइट की एक इमेज बनती है तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो से डिफाइन करते हैं यदि हम ट्रायंगल ए एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी को देखें तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं इसलिए इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा अब हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज रखें तो ए डैश बी डैश इज इक्वल टू माइनस एच टू एंड ए बी इज इक्वल टू एच बी डैश पी इज इक्वल टू माइनस वी एंड बी पी इज इक्वल टू माइनस यू इसको सॉल्व करने पर हमें मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू मिल जाता है अब हम मिरर्स के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे अगर कॉन्वेक्स मिरर देखें तो ये कार के रियर व्यू मिरर में यूज़ होता है और सिक्योरिटी मिरर की तरह भी यूज होता है यहाँ पर अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करें तो कॉन्वेक्स मिरर एक बड़े से ऑब्जेक्ट की एक छोटी इमेज बनाता है और ज़्यादा से एरिया को एक छोटे से एरिया में केंद्रित करके दिखा देता है कॉनकेव मिरर्स के भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं पहला एप्लीकेशन है कि इनको शेविंग या मेकअप मिरर्स की तरह यूज़ करते हैं यहाँ इसमें अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो एक एनलाज इमेज बनती है और एक इरेक्ट इमेज बनती है अगला यूज़ है डेंटल मिरर्स चूंबड़े के अंदर दांतों को आसानी से देखना बहुत मुश्किल काम है इसके लिए भी कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं डेंटिस्ट जिससे वो पहचान सके कि आपके दांतों में क्या बीमारी है कॉन्केव मिरर का अगला इस्तेमाल है वो कार की हेडलाइट्स में यूज़ होते हैं क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज करती है कॉन्केव मिरर के केस में इसलिए इनको हेडलाइट्स के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं